अभी सब्सक्राइब कीजिए माई टेक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आप तक पहुंचा सकें लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइजी फोन स्पाई एप्लीकेशन के बारे में। इसकी मदद से हम किसी के भी फोन को मॉनिटर कर सकते हैं, वो अपने फोन में क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ जाता है, उसकी लोकेशन क्या है, फेसबुक पे किससे बातें करता है, व्हाट्सएप पे किससे बात करता है, यहाँ तक कि उसकी कॉलिंग हिस्ट्री को भी हम देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना खराब करते हुए हम देख लेते हैं किसी के भी फोन को किस तरह से अपने फोन से हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको स्पाइजी कंट्रोल पैनल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। साथ ही आप जिसके फ़ोन को टारगेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको टारगेट स्पाइजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप चाहें तो इन दोनों एप्लीकेशन को स्पाइजी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इन दोनों एप्लीकेशन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं और वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा। फिलहाल स्पाइजी कंट्रोल पैनल एप्लीकेशन को मैंने पहले से ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखा हुआ, तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को अब ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन हमारा ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर हमें कुछ ट्यूटोरियल दिखाया जा रहा है। आप चाहें तो यहाँ से इसको स्किप कर सकते हैं या फिर आप इसको नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको साइन अप करना होगा। अगर आपके पास पहले से स्पाइजी वेबसाइट पे कोई अकाउंट है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास कोई भी अकाउंट नहीं, तो यहाँ से मैं पहले साइन अप कर लेता हूँ। साइन अप करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक न्यू पासवर्ड बनाना होगा। अकाउंट लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको एक डिवाइस को ऐड करना होगा। जिसके भी फोन को आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। तो चलिए यहाँ से हम ऐड पे क्लिक करते हैं। और ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले निकनेम लिखना होगा, और जिसको भी आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो उसकी जो एज है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और लास्ट में हमें मोबाइल डिवाइस को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप एंड्रॉइड सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर iOS। जिसके भी फ़ोन को आप टारगेट करना चाहते हैं, अगर उसके पास एंड्रॉइड है तो आप एंड्रॉइड यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज अगर उसके पास iOS है तो iOS को सिलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर एक प्लान को परचेस करना होगा। आप चाहें तो अल्टीमेट एडिशन को ले सकते हैं या फिर प्रीमियम एडिशन को ले सकते हैं। सबसे पहले स्पाइजी हमें ट्रायल वर्जन फ्री में यूज़ करने के लिए देता था, लेकिन कुछ दिनों से स्पाइजी ने इसको बंद कर दिया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो फिर आपको इसको परचेस करना ही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके रेट लिखे हुए हैं। अगर आप अल्टीमेट एडिशन को 1 मंथ के लिए लेते हैं तो यहाँ पर आपको $39.99 खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आप 1 ईयर के लिए इसको $99.99 में परचेस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्रीमियम एडिशन की, तो यहाँ पर हमको $29.99 पर मंथ खर्च करने पड़ सकते हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पर 1 ईयर का प्लान लेते हैं तो यहाँ पर हमें $89.99 खर्च करने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ से हम इसको बाय कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई डिस्काउंट कूपन है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप अपनी कंट्री को चूज़ करिए, आपका जो जिप पोस्टल कोड है उसको यहाँ पर एंटर करिए। इसके अलावा जो आपकी आईडी है उसको यहाँ पर एंटर करना होगा। वीज़ा या मास्टर कार्ड को यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर नेम, कार्ड नंबर और कार्ड एक्सपायरी डेट, साथ ही यहाँ पे आपको CVV कोड भी एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योर चेकआउट पे क्लिक करना होगा। तो जो भी आपकी पेमेंट है वो यहाँ से सबमिट हो जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसको परचेज़ कर लेता हूँ और इसको हाइड कर देता हूँ। इसको परचेज़ करने के बाद फ्रेंड्स, अब हमको जाना होगा हमारे टारगेट फ़ोन पे, जिसके भी फ़ोन को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, जिसके भी फ़ोन को हम मॉनिटर करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। उसका भी आपको जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आप टारगेट फ़ोन में इंस्टॉल करिए। तो चलिए यहाँ से मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी, चलिए यहाँ से इसको अब ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपको उसी आईडी से साइन इन करना है जिस आईडी से आपने अपने कंट्रोल पैनल एप्लीकेशन में रजिस्टर किया था, क्योंकि जिससे भी आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं तो उसी आईडी को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी रजिस्टर आईडी को एंटर कर देते हैं और यहाँ पर साइन इन कर लेते हैं। एप्लीकेशन में हम साइन इन कर चुके हैं, तो चलिए यहाँ पर हम कुछ परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पर ग्रांट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी में सर्विसेज में जाना होगा, और सर्विसेज में आपको सिस्टम अपडेट सर्विस का एक ऑप्शन नज़र आएगा। तो यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर दीजिए और इसके बाद इसको यहाँ से इनेबल कर देते हैं और यहाँ से बैक चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें डेटा यूसेज को भी एक्टिवेट करना होगा, तो चलिए यहाँ पर ओके कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम सिस्टम अपडेट सर्विसेज को एक्टिवेट कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको फ़ोन के GPS को एक्टिवेट करना होगा, तो चलिए यहाँ से सेटिंग पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं। और फाइनली हम इसको अब एक्टिवेट कर देते हैं।
और लास्ट यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, अगर हम चाहें तो इस एप्लीकेशन के आइकॉन को टारगेट फोन में रख सकते हैं या फिर हम चाहें तो इसके आइकॉन को डिलीट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस एप्लीकेशन के आइकॉन को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें टारगेट फोन में रखना है तो उसको पता नहीं लगना चाहिए कि उसके फोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट मॉनिटरिंग पे क्लिक कर देते हैं और ये एप्लीकेशन का जो आइकॉन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, टारगेट फोन का काम अब खत्म हो चुका है। अब जिसका भी फोन है आप उसको उसका फोन दे दीजिए और इसके बाद अब आपको इस फोन की जरूरत नहीं है, आप अपने ही फोन से इसको मॉनिटर कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं ये किससे कॉलिंग पे बात करता है, किससे व्हाट्सएप पे बात करता है, फेसबुक पे किससे बात करता है, इसके अलावा और भी सोशल साइट पे क्या क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, आप सब कुछ अपने फोन में ही जान सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने फोन पे और वहां से स्पाइजी कंट्रोल पैनल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वाकई इस एप्लीकेशन से हम किसी दूसरे के फोन को टारगेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन हमारा ओपन हो चुका है, चलिए यहां से हम अपनी रजिस्टर आईडी से साइन इन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल एप्लीकेशन का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और यहाँ पर टारगेट फोन की इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट लोकेशन शो हो रही है। साथ ही अगर हम इस एप्लीकेशन के नीचे देखते हैं तो यहाँ पर हमें टॉप 5 कॉलिंग नंबर को शो कराया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर हमें टॉप 5 मैसेज भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो एप्लीकेशन की यहाँ पर केवल हाईलाइट दिखाई जा रही है। इसके अलावा आप डैशबोर्ड के साइड में अगर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आप कॉलिंग हिस्ट्री अगर देखना चाहते हैं, इसके अलावा आप ब्राउजिंग हिस्ट्री देखना चाहते हैं, लोकेशन देखना चाहते हैं या फिर मैसेज किस किस से बात किया गया है वो देखना चाहते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, आप यहाँ पर टोटली फोन को मॉनिटर कर सकते हैं और यहाँ पर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।